नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि मल्टी टैलेंटेड है और जिन्होंने अभी तक कई किताबें लिखी है और साथ ही देश के प्रति उनका जो जज्बा है वो भी काबिले तारीफ है। अभी तक वो 20,000 से ज़्यादा कमांडोज को ट्रेन कर चुकी हैं। चलिए जानते हैं डॉक्टर सीमा के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि देश की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है डॉक्टर सीमा राव। डॉक्टर सीमा राव को ट्रेनिंग देते हुए लगभग 21 वर्ष का समय हो चुका है। इस दौरान उन्हें कई बार गंभीर चोटें भी आई हैं। एक बार तो 6 हफ्तों के लिए उनकी याददाश्त तक चली गई थी। दूसरी बार कमर टूटने की वजह से उन्हें 6 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा, लेकिन डॉक्टर सीमा राव ने हार नहीं मानी। जानते हैं उनके इस सफर के बारे में। डॉक्टर सीमा राव के पिता प्रोफेसर रमाकांत स्वतंत्रता सेनानी थे। गोवा को पुर्तगाल के कब्जे से मुक्त कराने में प्रोफेसर रमाकांत का काफी महत्वपूर्ण रोल था। आजादी के लिए संघर्ष के किस्से सुनकर बड़ी हुई डॉक्टर सीमा ने बचपन में तय कर लिया था कि वह बड़े होकर देश के लिए कुछ अलग करना चाहेंगी। मुंबई में सीमा की स्कूली शिक्षा हुई। दुबली पतली सीमा को अक्सर दूसरी छात्राओं से धौंस सहनी पड़ती थी। मन में एक ही ख्याल आता था कि कैसे इस कमजोरी को दूर किया जाए। जब वे हायर सेकेंडरी में थी तो उनकी मुलाकात दीपक राव से हुई। दीपक उन दिनों मार्शल आर्ट सीख रहे थे। सीमा ने भी मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया और जल्द ही पारंगत हो गई। मार्शल आर्ट ने उनके बुलंद हौसलों को आत्मविश्वास में बदल दिया। बाद में सीमा ने डॉक्टरी की पढ़ाई की और फिर क्राइसिस मैनेजमेंट में MBA किया। उधर दीपक राव ने भी मेडिकल की पढ़ाई की और सेना में भर्ती हो गए और दोनों फिर शादी के बंधन में बंध गए। सीमा राव के लिए मार्शल आर्ट सिर्फ शौक तक सीमित नहीं रहा बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। शिक्षा की तरह मार्शल आर्ट में वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती गई। वो ब्लैक कैट हासिल करने के बाद भारत की एकमात्र महिला ट्रेनर है। क्लोज क्वार्टर बैटल यानी कि CQB में उनकी खासियत है। इसमें हथियार या फिर हथियार के बिना अकेले या टीम के साथ लड़ाई की जाती है। आज ही बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि डॉक्टर सीमा देश की स्पेशल फोर्स के कमांडोज को ट्रेनिंग देती हैं। लेकिन ट्रेनर बनना इतना आसान नहीं था और वो भी एक महिला का। ट्रेनर बनने की शुरुआत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सीमा उस वक्त करीब 26 वर्ष की रही होंगी जब एक पुलिस अधिकारी ने बिना हथियार के मुकाबले में उनका कौशल देखा। उस अधिकारी ने उन्हें पुलिस फोर्स में आने का निमंत्रण दिया। उनकी ख्याति बढ़ने लगी और मेहमान ट्रेनर के रूप में उन्हें कई जगह से बुलावा आने लगा। एक महिला को ट्रेनर के रूप में स्वीकार करने में लोगों को हिचकिचाहट देखकर सीमा ने अपनी काबिलियत और कौशल पहले ही बता देती थी। डॉक्टर सीमा ने अपने पति मेजर दीपक राव का हर कदम में साथ दिया और मेजर राव ने न सिर्फ सीमा के हर फैसले का सम्मान किया अपितु उन्हें प्रेरित भी किया। वर्ष 1996 में दोनों ने सेना, नौसेना, BSF और NSG के कमांडोज को निशुल्क मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव रखा। तब से लेकर आज तक दोनों पति पत्नी करीबन 20,000 से ज्यादा कमांडोज को प्रशिक्षित कर चुके हैं। प्रशिक्षण पाने वालों में सेना, सुरक्षा बलों के अलावा कई राज्यों की पुलिस की सुरक्षा कर्मी भी हैं। सीमा वर्ष में 8 महीने ट्रेनिंग देने में गुजारती हैं। कई बार कठिन हालात थे लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। BBC के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया है कि जब हमारा दिवाला तक निकल गया था, घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तब मैंने अपना मंगलसूत्र और सोने के गहने बेच दिए। हमने सरकार से पैसे इसीलिए नहीं लिए क्योंकि ट्रेनिंग हमारा देश के प्रति कर्तव्य है और उसका पैसे से क्या मोल। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के दौरान 2 बार गंभीर रूप से भी घायल भी हुई। एक बार तो जैसे कि हमने बताया कि हफ्ते भर के लिए उनकी याददाश्त तक चली गई थी। बढ़ती उम्र के बावजूद सीमा राव आज भी बेहद सक्रिय हैं। खुद को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए वे बेहद परिश्रम करती हैं। वह दुनिया की उन 10 महिलाओं में से एक है जिन्हें ब्रूसली की जीत कुनेडो नाम की मार्शल आर्ट की योग्यता हासिल है। भारत की हर महिला मजबूत बने और अपने पैरों पर खड़े हो सके, यही डॉक्टर सीमा का सपना है। सीमा का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे एक लेखिका भी हैं। अब तक उन्होंने कई पुस्तकें जारी कर चुकी हैं। उनके पति दीपक राव के साथ मिलकर वे कमांडो मैनुअल ऑफ अनआर्म्ड कॉम्बैट नाम से पुस्तक भी जारी कर चुकी है जो दुनिया भर की लाइब्रेरी में अपनी जगह बना चुकी है। वे फायर फाइटर और स्कूबा डाइवर भी हैं। वह रॉक क्लाइंबिंग में हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट मेडलिस्ट भी हैं और मिस इंडिया वर्ल्ड की फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। डॉक्टर सीमा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढेरों सम्मान मिल चुके हैं। तो दोस्तों, सीमा राव के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, डॉक्टर सीमा के बारे में आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।